सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप मेरी एनर्जी देख के पता लग ही रहा होगा आपको कि मैं आज थोड़ा माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरा ट्रैवल शुरू होगा मनाली सीरीज का डे 1। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। जय श्री राम। टाइम 5 बज चुके हैं, हम यहाँ से निकल चुके हैं ताकि हम टाइम पे मनाली पहुँच जाएँ। चलिए गाइस, मिलते हैं आगे सफ़र में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये माँ काली का प्राचीन मंदिर है हमारे घर से 1 किलोमीटर पे। तो यहाँ मैं रुक के हमेशा जरूर मत्था टेकता हूँ। जय माँ काली। चलिए गाइस, चलो। देखिए इस इंसान ने अपने आप को कैसे ठंड से बचाने के लिए कंबल से अपने आप को लपेटा है ताकि हवा ना आए इस तक। कोई अचानक ऐसे देखेगा तो घबरा ही जाएगा। मैं नहीं मानता। मैं पहुंच गया हूँ नालागढ़ और देखिए गाइस, सूर्य भी उदय हो रहा है धीरे धीरे पेड़ के पीछे से। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। बिलासपुर क्रॉस कर चुका हूँ, अभी थोड़ा आगे जाके रुकेंगे ताकि मैं चाय चुए पी लूँ, उस टाइम पे आपसे मिलते हैं। बाकी अभी तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। गाइस गाड़ी चलाता चलाता बोर हो रहा था तो सोचा आप लोगों से ही बात कर लेता हूँ। तो आपको तो मैंने बताया नहीं कि मैं मनाली एक्चुअली जा रहा क्यों था। क्यों? तो क्या हुई? तो मुझे वहाँ पे काम है टूरिज्म में, बस उसी काम के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और कुछ दिन रह के भी आऊँगा अभी मनाली वाले घर पे। ये देखिए सामने, ये ACC का प्लांट है जो अभी बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर भी। ये देखिए, ये ACC का प्लांट है। ये यहाँ पे इसका मेन गेट है, देखिए अभी बंद पड़ा है। ये मेरे लेफ्ट साइड में आप सतलुज रिवर देख रहे हैं जिसके ऊपर से अभी मैं क्रॉस करूँगा। ये रिकांगपियो से रामपुर से होते हुए बिलासपुर आते हैं। बिलासपुर में भाखड़ा नंगल डैम है जो गोविंद सागर झील उस पर बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम। तो देखिए कितनी साफ़ और कितने अच्छा पानी है। देखिए देखिए बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो गई हैं, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये सुंदरनगर की मार्केट है, बस इसको क्रॉस करते हैं फिर से 4-लेन हाईवे शुरू हो जाएगा। हाईवे का बड़ा अच्छा काम हुआ है अभी तक जो मैं देखा के मैंने सुना है काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ मंडी से आगे सारी। तो देखते हैं सुंदरनगर की प्यारी झील। आज तो पानी बहुत कम है झील में। वो गया कहाँ? अरे सामने बर्फ के पहाड़।
15 मिनट से इस यूपी वाले ने आगे गाड़ी आगे लगा के रखी है, इसको ओवरटेक ही नहीं दे रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, यहाँ आके बड़ा मुश्किल रहता है इनको चलाना, इतनी बड़ी बस लेके, और वो भी कभी नीचे उतर रहा है कभी ऊपर। चलो इसे पास लेते हैं गाइस, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। मंडी पहुंच चुके हैं, यहाँ की मंडियाली धाम बड़ी मशहूर है। मैं खाता पर मेरे पास टाइम नहीं है, जिस काम के लिए आया हूँ उसके लिए लेट हो रहा हूँ, तो निकलते हैं मंडी से। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एकदम से ही ऊपर से पत्थर गिरने लगा, मैं जल्दी फटाफट निकाल रहा हूँ हॉर्न मार के, और ये गाड़ी वाला आ गई, इसने आगे रोक दिया। ये देखिए गाइस पंडो डैम, अभी पंडो डैम के ऊपर से जा रहा हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य एक बार फिर से। ये देखिए हनोगी माता मंदिर, यहाँ पे सभी लोग रुक के दर्शन करते हैं हमेशा, चाहे वो आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं। तो देखिए गाइस बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, देखिए मज़ा आ गया इस रोड को, रोड पे गाड़ी चलाने का मज़ा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जब ये बन रहा था गाइस तो सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा, अभी साथ में रिवर ब्यास चल रही है, और देखिए कंस्ट्रक्शन और टनल के अंदर है, यहाँ पे भी लाइट्स लगा दी गई हैं। अब निकलते ही देखिए व्यू अलग है, ये देखिए अभी हम बाहर निकल रहे हैं, देखिए एकदम से तेज रोशनी आती है सामने से, और बाहर निकलते ही माउंटेन्स का हरा भरा नज़ारा देखिए। ओह माय गॉड, वाओ। कुल्लू पहुंच गया था गाइस 2 बजे के अराउंड, तो फिर मेरे रिलेटिव ने मुझे खाने पे बुलाया था लंच पे, तो लंच खा के मैं यहीं पे सो गया था। फिर अभी देखिए उनके घर से कैसा व्यू है, तो अभी मार्केट जाएंगे हम सिड्डू खाने के लिए, और वहीं से मैं मनाली निकल जाऊंगा। ये है सिड्डू गाइस, देखिए बहुत ही लजीज है, चटनी के साथ दिया उन्होंने खाने के लिए, मज़ा आ गया गाइस। मनाली रूम में पहुंच गया हूं, तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि ये था day 1, आज तो पूरा दिन ट्रैवल ही रहा, तो कल day 2 शुरू होगा मनाली सीरीज़ का। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।